यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित एसटीडी संबंधित जो भी अपडेट आती है दोस्तों, हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अब ऐसा समय आ चुका है जबकि शिक्षकों को अपनी मांग रखना चाहिए, क्योंकि एक सही समय आ चुका है अपनी मांगों को रखने की। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में विसंगतियाँ हैं उन सभी को दूर करने का एक सही और सटीक समय आ चुका है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव से पहले सभी पार्टी जो है अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। ऐसे में जो भी हमारे इंद्रजीत कुमार प्रदेश अध्यक्ष, सोनू कुमार सोनी प्रदेश संघ संयोजक, नीतीश पांडे प्रदेश महासचिव, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। शिक्षकों के मुद्दे को, शिक्षकों के बातों को, शिक्षा के क्षेत्र में आई कमी को, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सभी ने मिलके अथक प्रयास किया है। और घोषणा पत्र में ये पूरा का पूरा जो ब्यौरा है शिक्षा के लिए, जो पूरा का पूरा जो ये ब्यौरा है ये समायोजित किया गया है। तो कह सकते हैं कि भाई काफ़ी अच्छी, कह सकते हैं कि ये अपडेट है कि भाई आप देख सकते हैं ये लेटर जारी किया गया है। आप देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा सेवा में नेता प्रतिपक्ष पार्टी प्रमुख राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में शिक्षकों की काफ़ी कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान में चल रही 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र संपन्न कराने के संबंध में, ठीक है। देखिए लिखा है महोदय उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि हम सभी बिहार के शिक्षित युवा हैं और बिहार का भविष्य भी आपके द्वारा जो घोषणा किया गया कि प्रथम कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इससे हमारे जैसे लाखों बेरोजगार युवाओं शिक्षित युवाओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। हम लोगों की आस है कि पूर्ण विश्वास भी है कि पूरा बिहार आपकी ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता आपको बिहार के मुख्यमंत्री के पद में सुशोभित करेगी, ठीक है। और देखिए लिखा है और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे देखिए आप, चुनाव में बिहार की जनता आपको बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित करेगी। हमारा आपसे निवेदन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के संसद में दिए गए बयान के अनुसार बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में 2.75 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहीं माध्यमिक विद्यालयों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ज़रूरत है। इसके लिए हाल ही में एसटीटी आयोजित हो चुकी है। हम सभी को पूर्ण विश्वास है इसे भी निकट भविष्य में भरने की कवायद तेज कर दी जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है कि वर्तमान में चल रही 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जो अपने अंतिम चरण में है, इसे भी शीघ्र शीघ्र पूरा कराया जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देखिए लिखा है कि एसटीटी, जो एसटीटी की बहाली को जल्द से जल्द पूरा कराने हेतु यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु लेटर जारी किया गया है। और देखिए बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं एसटीटी छात्रों के लिए है कि कहीं ना कहीं सभी ने मिलकर एक बिगुल बजाया है कि भाई 94,000 चाहे शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा हो या एसटीटी के नियोजन का मुद्दा हो, दोनों ही मुद्दाओं को चुनाव में रखा गया है। और कहा गया है कि भाई 2011 में जिन छात्रों ने एसटीटी की परीक्षा पास की थी उन छात्रों की अभी तक बहाली नहीं हो पाई है। अब कहीं ना कहीं ये मांग है कि एसटीटी 2019-20 में छात्रों का जो अभी परीक्षा हुई है छात्रों की, उसका रिजल्ट यथावत जारी किया जाए और रिजल्ट जारी करने के बाद कहीं ना कहीं अब रुकावट ना आए, जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया चलाई जाए, ऐसा घोषणा पत्र में लिखा जाए। घोषणा पत्र में ये बात रखी जाए कि भाई 94,000 शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ 2.7 लाख जो शिक्षकों के पद बिहार में जो खाली चल रहे हैं उनको भरने की कवायद भी तेज की जाए, ऐसी मांग जो है वो रखी जा रही है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, साथ ही आपसे निवेदन है कि वर्तमान में चल रहे 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया, देखिए दो मांग रखे गए हैं आपके यहाँ पे, दो मांग रखे गए हैं।
एसटीटी की एक तो बहाली यथा शीघ्र की जाए, दूसरी 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया एक लंबे समय से एक अड़चन में है, उसे भी पूर्ण किया जाए। तो देखिए लिखा है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि आप इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करें ताकि बिहार के युवाओं को पूर्णतः यकीन हो जाए कि आपके द्वारा बिहार के बेहतर शिक्षा व्यवस्था एवं युवाओं के रोजगार के लिए श्रेष्ठ कदम उठाया जा रहा है। हमारी मांग को घोषणा पत्र में शामिल करते हैं तो इससे युवाओं का मनोबल और बढ़ेगा। इससे अत्यधिक उत्साह एवं साहस के साथ आपकी जनता को मोड़ने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप, लिखा है टीटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिहार टीटी सीटीटी उत्तीर्ण शिक्षक के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हो गए, प्रदेश सचिव हो गए, प्रदेश महासचिव हो गए, इन सभी लोगों ने, देखिए कॉल नंबर भी आप कॉन्टेक्ट भी करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा पूछना है कि किन किन मुद्दों को रखा गया है, तो एक कह सकते हैं कि एक लेटर जो है वो जारी किया गया है। और अब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि भाई एसटीटी की बहाली यथाशीघ्र होगी जैसे ही कोई नई सरकार बनती है। नई सरकार में देखिए लोगों का जो रुझान है युवा नेता चुनना है, क्योंकि अगर नेता युवा होगा तो वो आपके भविष्य के बारे में सोचेगा, वो आपकी प्रक्रिया, आपके जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है उस दर्द को समझेगा जो बेरोजगारी के तंग में आज युवा जी रहा है। और एक और देखिए लेटर है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए सेवा में श्रीमान भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ये लिखा गया है तेजस्वी यादव को। ठीक है, देखिए विषय बिहार शिक्षक बारी 94,000 शिक्षकों के भर्ती को पूर्ण करने के लिए घोषणा पत्र में शामिल करने के संबंध में है। महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि हमारे शिक्षक पद पर बहाली पिछले 3 वर्षों से नीतीश सरकार के दल मूल रवैये के चलते हुए, देखिए सॉरी यहाँ पर लिखा है ढूलमूल। ठीक है, ढूलमूल मतलब कि काफ़ी ढिलाई देने के कारण, जिससे देखिए लिखा है जिसके चलते हमारे टीटी पास अभ्यर्थी साथी रोड पर भीख मांगने के कगार पर आ चुके हैं और हमारे साथियों के बीच काफ़ी निराशा का माहौल है। मान्यवर से निवेदन है कि हमारी बहाली प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया जाए तथा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। इसके लिए हम सभी टीटी अभ्यर्थी शिक्षक आपका सदा आभारी रहेंगे। दे सकते हैं आपका विश्वासभाजक टीटी शिक्षक अभ्यर्थी संघ औरंगाबाद। ये औरंगाबाद से लेटर जारी किया गया, दो लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो देखिए इसमें पहले वाले लेटर को आपने देखा, इसमें दोनों मुद्दे हैं आपके, एसटीटी का मुद्दा भी है, शिक्षक बहाली का भी मुद्दा है, दोनों को मर्ज किया गया है। दूसरे लेटर में देखिए 94,000 की भर्ती को पूर्ण करने के लिए औरंगाबाद से लेटर लिखा गया है भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। ठीक है, और वहीं हम दूसरी बात करें एक संभावित तिथि की, जैसा कि आलोक सर ने एक ट्वीट भी किया है अभी अभी, 28 अक्टूबर से पहले अन्यथा 10 नवंबर के आसपास जो है एसटीटी का रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है और हम कह सकते हैं कि जल्दी ही हमारे छात्रों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और जैसा कि आलोक सर ने ट्वीट किया है और आलोक सर के द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आज तक अभी गलत नहीं हुई है, और उम्मीद है अगर 28 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी होता है तो कह सकते हैं कि यह जल्द से जल्द नियोजन की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। ठीक है, तो फर्जीवाड़े से बचें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ठीक है, आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। पल पल ही खबर के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।